एक्सरसाइज नंबर 27। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 × 10⁻¹⁵, राइट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मीन्स KSP, राइट। KSP ऑफ सॉल्यूशन इज 6 × 10⁻¹⁵, राइट। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन अ एक्वियस सॉल्यूशन, राइट। क्या कैलकुलेट करना है, तो के मोलारिटी, राइट। तो यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो एस से, राइट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuSO4, मतलब कि KSP इज इक्वल टू 6 × 10⁻¹⁵, राइट। अब CuS कन्वर्टेड इंटू Cu2+ प्लस S2-, मतलब कि इस ये क्या हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया। और KSP इज इक्वल टू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2-, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को। तो CuS को हम लोग डिनोट करेंगे S से, और सल्फर है उसको भी हम लोग क्या डिनोट करेंगे, S, राइट। मतलब कि KSP इज इक्वल टू S × S, मतलब कि H2, राइट। तो देन H2 मतलब कि KSP है, राइट। तो उसकी वैल्यू क्या मिली, तो कि 6 × 10⁻¹⁵ है, राइट। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो कि S कैलकुलेट करना है। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 × 10⁻¹⁵, राइट। तो स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो उसका आंसर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2.45 × 10⁻¹⁸ m। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को 10⁻¹⁵ है और यहाँ पे उसको 10⁻¹⁶ के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, राइट। व्हाई, बिकॉज 10⁻¹⁶ फॉर्म में है हो, तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो 6 × 10⁻¹⁵ है, तो हम लोग उसको 60 कर देंगे, राइट। मतलब कि 1 पॉइंट मूव करेंगे, यहाँ पे क्या था 6.0, तो हम लोग उसका 60.0 कर देंगे। 6.0 का मतलब 6 लिखे या 6.00 लिखे सेम है, राइट, × 10⁻¹⁵ है। अब हम लोग 1 पॉइंट मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगा 60.0 × मैंने क्या सिखाया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, जो पावर है पावर में माइनस ऐड होगा। 1 पॉइंट मूव कर रहे हैं तो -1, मतलब कि −15 − 1 क्या हो जाएगा, −16, राइट। तो 10⁻¹⁶ का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 10⁻¹⁸, और ये जो 60 है उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.45। एक्सरसाइज नंबर 29। Nalorphine, similar to morphine, is used to combat withdrawal symptoms in a narcotic user. Dose of a Nalorphine generally given is 1.5 mg, right? Calculate the mass of 1.5 × 10⁻³, right? M, मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, molality. Aqueous solution required for the above dose, मतलब कि above dose के लिए 1.5 mg के लिए हमें क्या find करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ Nalorphine, राइट। तो Nalorphine की फॉर्मूला है C19H22NO3, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन का क्या लेंगे, तो कि 12, हाइड्रोजन 1, देन नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन का 16। तो हम लोग उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबका एडिशन करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Nalorphine इज इक्वल टू 311 ग्राम मोल इनवर्स, राइट। देन हमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों को तो के सॉल्वेंट का वेट फाइंड करना है, राइट। तो 1.5 × 10⁻³ ये हमारे पास क्या है, तो के वेट है, राइट, 1.5 mg है। तो 1.5 mg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो के 1.5 × 10⁻³ ग्राम, राइट, डिवाइडेड बाय हम लोगों को ये वेट है, मतलब कि मोल्स फाइंड करने हैं, राइट। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो के 311, तो n इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 31, राइट। अब देखो नेक्स्ट, देयरफॉर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि हम लोगों ने फर्स्ट क्या फाइंड किया, तो के मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड किया, जो वो हमें मिला
वेट मिला हम लोगों को 0.0665 ग्राम, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो कि 1000 इंटू 0.4665 ग्राम, राइट। तो उसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा टोटल मास का, तो कि 1000.4665 ग्राम, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट द मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.4665 ग्राम ऑफ नेलोफ्रिन इज, मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, तो कि 1000.4665 ग्राम, राइट। एंड देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 mg ऑफ नेलोफ्रिन इज, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाएगा, तो कि 1000.4665 इंटू 1.5 इंटू 10^-3 डिवाइडेड बाय 0.4665, मतलब कि उसका आंसर हम लोगों को क्या मिल गया, 3.22 ग्राम, राइट। एंड हैंस द मास ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन रिक्वायर इज, हम लोगों को जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना चाहिए, तो कि 3.22 ग्राम, ओके। तो ये था हमारा आंसर, थैंक यू।